अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी, डिजिटल टूरिस्ट ऐप किया लॉन्च। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत अयोध्या। हाथरस में अयोध्या में रामलला के अभिषेक के लिए भेजी जा रही है इत्र, भारी मात्रा में हवन सामग्री अयोध्या रवाना। मेरठ में पत्तों पर नक्काशी करने वाले कलाकार ने पत्तों पर भगवान राम की जीवनी उकेरी, कलाकार ममता गोयल ने रामायण की घटनाओं को कागज पर पत्तों की मदद से दिखाया। 11,000 उपहार माता सीता की जन्मस्थली पुनैरा धाम सीतामढ़ी से भेजी गई अयोध्या, भारी मात्रा में फल जेवर आदि चीजें शामिल। रांची के ओटीसी ग्राउंड में नमो पतंग महोत्सव का आयोजन, संजय सेठ ने उड़ाई पतंग। मदुरई में स्कूल निर्माण के लिए करोड़ों की जमीन दान करने वाली महिला को सीएम से मिलेगा विशेष पुरस्कार, सीएम ने की महिला की जमकर तारीफ। नवगछिया में शिक्षिका ने अपनाया पढ़ाने का अनोखा तरीका, क्लास में बच्चों के साथ करती है डांस, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में हिरसन लॉक्स कंपनी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिया अपना योगदान, 50 किलो का ताला राम मंदिर के लिए अयोध्या भेजा। मिर्जापुर में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए चांदी के 7 थाल अयोध्या रवाना, श्री देवराहा हंस बाबा आश्रम में दी भेंट। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला आज से शुरू, कमाऊं गढ़वाल की संस्कृति से जुड़ी झांकियों की झलक के साथ भव्य शुरुआत। तमिलनाडु के एक इलाके में 81 साल के पिता ने बेटी के प्यार में कर दिखाया कमाल, साइकिल पर सवार सिर पर गन्ने का गुच्छा रख बेटी को पोंगल का उपहार देने के लिए की 14 किलोमीटर की यात्रा। जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का जश्न, 191 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने परिवार के साथ मनाया त्यौहार। उधम सिंह नगर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के मद्देनजर बीजेपी नेता घर घर जाकर बांट रहे मिट्टी के दिए तेल, साथ ही बांटे राम मंदिर की तस्वीरों वाला कैलेंडर। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग ने नेतृत्व में चला यह अभियान। यूपी में बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, सभी स्कूल में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक छात्रों की 16 जनवरी तक बढ़ाई गई छुट्टी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की नियमित रूप से चलती रहेगी क्लासेस, जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों को जिला प्रशासन ने दिया निर्देश। दिल्ली में कल से खुलेंगे स्कूल, सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच होगा कक्षाओं का समय। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 का ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए सबसे तेज नेता। सबसे तेज अवार्ड 2023 में योगी आदित्यनाथ ने जीता सबसे तेज सीएम का खिताब। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 में खेल जगत में मोहम्मद शमी बने सबसे तेज क्रिकेटर। सबसे तेज हीरो की कैटेगरी में जीते बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख बने सबसे तेज हीरो। सभी अदाकारों को पीछे छोड़ते हुए दीपिका पादुकोण चुनी गई सबसे तेज हीरोइन। हापुड़ के 10 टन फूलों से महकेगा भगवान राम का मंदिर, हापुड़ के किसान को मिला 10 टन फूल अयोध्या भेजने का ऑर्डर। जैसलमेर से जुड़ी भारत पाक सीमा दिखी जबरदस्त धुंध और कोहरे की चादर, विषम परिस्थितियों में अलर्ट मोड में जवान कर रहे हैं ड्यूटी। औरैया में कोहरे और ठंड का सितम लगातार जारी, ज्यादा कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। बाराबंकी में कोहरे की वजह से नहर में गिरी कार, एक युवक की मौत, 3 ने तैरकर बचाई जान। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे से हुए 2 हादसे, कई गाड़ी जीरो विजिबिलिटी के कारण आपस में टकराई, 2 लोगों की मौत। करौली के मंडी यार्ड में मोटे अनाज की हुई चोरी, व्यापारियों ने मंडी वार्ड किया बंद। फाजिल्का में लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 व्यक्ति गिरफ्तार, हथियार समेत 1 बाइक बरामद। फतेहपुर में जोरदार मारपीट का मामला आया सामने, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में जमीन विवाद से परेशान होकर युवक ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। झांसी में एक 26 साल के युवक खुद को आग लगाकर 4th मंजिल से कूदा, मौत हुई, यूपीएससी परीक्षा में नहीं मिली थी सफलता। औरैया में महिलाओं से लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल, बचाव को लेकर चिल्लाती रही महिलाएं। हरदोई में अंगीठी का धुआं कमरे में भरने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत, बेटा अस्पताल में हुआ भर्ती। वर्धमान में मोबाइल चोरी के शक में लोगों ने की एक युवक की पिटाई, लोगों ने युवक को किया पुलिस के हवाले। झांसी में एक मकान में घुसा ट्रक, बाल बाल बच्चे घर में सो रहे लोग। दिल्ली के खेड़ा इलाके में एक घर में मिली 4 लोगों की लाश, पति पत्नी और 2 बच्चों की लाश को पुलिस ने किया बरामद। वडोदरा में एक बैंक में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। नोएडा में पूर्व एयर कमांडर के फ्लैट में लगी आग, 3 बुजुर्गों का किया गया रेस्क्यू। हरदोई में चोरों ने 3 सर्राफा दुकानों की शटर तोड़कर लाखों रुपए की जेवर किया चोरी, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी ले गए चोर। अकोला में पुलिस पेट्रोलिंग वाहन पर फायरिंग, 5 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में 106 किलो गौमांस बरामद, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार, कई दिनों से की तलाश। दिल्ली में एक घर में चिमनी से लगी भयंकर आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। रायगढ़ में ट्रक में लोड 300 बोरी अवैध कैश, पुलिस ने किया जब्त, जांच में जुटी पुलिस।
मेरठ में एक मंदिर से मां दुर्गा की मूर्ति हुई चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। समृद्ध भारतीयों की संख्या हो जाएगी 10 करोड़, गोल्डन मैन सेक्स की रिपोर्ट में दावा।